नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज के इस वीडियो में हम खुद वॉइस ओवर ना देके हमने सोचा क्यों ना खुद इस बारे पर चर्चा की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप के नाम पर अब किस तरह से उगाही का खेल हो रहा है। मतलब कि दुर्लभ कश्यप के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है, और ये सोशल मीडिया पर जिस तरह से दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो उपलब्धि हासिल की थी, यानी कि हम उसे उपलब्धि भी नहीं कह सकते, दुर्लभ कश्यप जिस तरह से फेमस हुआ था, और अब दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप का ही नाम लेकर कई सारे ऐसे बदमाश हैं जो अब लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, रंगदारी का खेल खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब दुर्लभ कश्यप जब इस दुनिया में नहीं है, दुर्लभ कश्यप के जो गैंग के बहुत सारे मेंबर हैं, उसे गैंग इसलिए नहीं कहेंगे, तथाकथित गैंग कहेंगे, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के जो तथाकथित गैंग के बहुत सारे मेंबर हैं वो अब सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो दुर्लभ कश्यप के नाम पर अब लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। और ऐसा ही जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि महाराष्ट्र की एक लड़की है, उससे दुर्लभ कश्यप के नाम पर 30,000 रुपये अब तक इन बदमाशों ने ले लिए हैं। अब वो लड़की परेशान है, और लड़की परेशान होकर दुर्लभ कश्यप गैंग के ही पीयूष बॉक्सर जो हैं, दुर्लभ कश्यप गैंग का ही एक मेंबर है, उससे वो लड़की शिकायत करती है, जिसके बाद अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं हाईलाइट होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जो विवाद जब बढ़ा, तब उन दो लोगों को गिरफ्तारी भी हुई, दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले में दुर्लभ कश्यप के गैंग को अब जो मौजूदा दौर में जो व्यक्ति चला रहा है उसका नाम चैन सीके कहा जाता है, चैन सीके अब इस मामले में कूद चुका है। चैन सीके ने साफ साफ शब्दों में उन लोगों की एक तरह से निंदा ही कह सकते हैं, या फिर उन लोगों को काफ़ी कुछ शब्द कहे हैं जो शब्द हम यहाँ पर उच्चारण नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो शब्द ऐसे होते हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होते हैं। तो दुर्लभ कश्यप के तथा कथित गैंग के जो मेंबर हैं चैन सी के, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। हालांकि ये बहुत कहीं ना कहीं अच्छी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ऐसे कई सारे बदमाश हैं जो दुर्लभ कश्यप के नाम पर आपसे पैसे मांगते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको आप पैसे ना दें, बल्कि उनको रिपोर्ट किया जाए, उनकी आईडी को रिपोर्ट किया जाए, ताकि उनकी आईडी को ब्लॉक किया जा सके, बंद किया जा सके। फिलहाल दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद जिस तरह से देखने को मिला था कि बहुत सारे युवा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हों, गाँव हों, जहाँ लोग दुर्लभ कश्यप से इतना ज़्यादा प्रभावित होकर दुर्लभ कश्यप की तरह कपड़े पहनने लगे थे, उसकी तरह माथे पर टीका लगाने लगे थे, गले में गमछा डालने लगे थे, आंखों में सुरमा लगाने लगे थे, तो ये खबरें जो निकल कर लगातार सामने आ रही थी वो खबर तो ठीक थी, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से दुर्लभ कश्यप के नाम पर रंगदारी का खेल चल रहा है, वो वाकई में कहीं ना कहीं एक नए अपराध को जन्म दे रहा है। और इसमें जो कहा जा रहा है, जो जिस इंस्टाग्राम आईडी से रंगदारी मांगी जा रही है, वो अमन मालवीय, कोई सोनू है, सरकार है, इन नामों से रंगदारी मांगी जा रही है। हालांकि इन सब मामलों में एक जो दुर्लभ कश्यप गैंग के मेंबर हैं पीयूष बॉक्सर, उन्होंने कहा है कि पहले दुर्लभ कश्यप नाम पे जो लोग रंगदारी मांग रहे हैं उनसे हमारा मतलब जान पहचान था, लेकिन अब उनसे हमारा कोई परिचय नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इस तरह के लोग अगर आपसे रंगदारी मांगते हैं, तो आप इसकी शिकायत करें, FIR कराएं उन पे, या फिर जो भी आप कर सकते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपील कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें रिपोर्ट कीजिए, ताकि उनकी आईडी बंद हो जाए। फिलहाल अब देखना है होगा कि इस मामले में, जो मामला बहुत ज़्यादा तोल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहरहाल बने रहिए, हम आपको इस पूरे मामले में अपडेट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए PDF न्यूज। थैंक यू। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।